Ready? Start. हाल ही में एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हिंदी विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है विराम। वर्तमान में 637 मिलियन लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं विराम। हिंदी भारत की राजभाषा है विराम। सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व को समेट हिंदी अब विश्व में लगातार अपना फैलाव कर रही है। हिंदी राष्ट्रीयता की प्रतीक भाषा है, उसको राजभाषा बनाने एवं राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठापित करने के नाम पर भारत में उदासीनता एवं उपेक्षा की स्थितियां परेशान करने वाली है, विडम्बनापूर्ण है विराम। विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा पा रही हिंदी को देश में दबाने की नहीं ऊपर उठाने की आवश्यकता है विराम। हमने जिस त्वरता से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की दिशा में पहल की, उसी त्वरा से राजनीतिक कारणों से हिंदी की उपेक्षा भी है। यही कारण है कि आज भी हिंदी में भाषा को वह स्थान प्राप्त नहीं है जो होना चाहिए विराम। देश विदेश में इसे जानने समझने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है विराम। इंटरनेट के इस युग ने हिंदी को वैश्विक धाक जमाने में नया आसमान मुहैया कराया है विराम। पैरा एथनोलॉग के वर्ड लैंग्वेज डेटाबेस के 22वें संस्करण में बताया गया है कि दुनिया भर की 20 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में 6 भारतीय भाषाएं हैं। इनमें हिंदी के बाद बंगाली भाषा का स्थान है, जो लिस्ट में 26.5 करोड़ लोगों के साथ 7वें स्थान पर है विराम। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में पहला स्थान अंग्रेजी का है और पूरी दुनिया में 113.2 करोड़ लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं विराम। इसके अलावा दूसरे स्थान पर चीन में बोली जाने वाली मंदारिन भाषा है, जिसे 111.7 करोड़ लोग बोलते हैं विराम। चौथे नंबर पर 53.4 करोड़ लोगों के साथ स्पेनिश और पांचवें नंबर पर 28 करोड़ लोगों के साथ फ्रेंच भाषा है विराम। पैरा दुनिया में हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता एवं विश्व की बहुसंख्यक आबादी द्वारा इसे अपनाए जाने की स्थितियां हर भारतीय के लिए गर्व की बात है विराम। देश की आज़ादी के पश्चात 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था विराम। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की विराम। राष्ट्रभाषा हिंदी संपूर्ण देश में सांस्कृतिक और भावात्मक एकता स्थापित करने का प्रमुख
साधन है विराम। भारत का परिपक्व लोकतंत्र, प्राचीन सभ्यता, समृद्ध संस्कृति तथा अनूठा संविधान विश्व भर में एक उच्च स्थान रखता है। उसी तरह भारत की गरिमा एवं गौरव की प्रतीक राष्ट्रभाषा हिंदी को हर कीमत पर विकसित करना हमारी प्राथमिकता होनी ही चाहिए। विराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में हिंदी को राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के रूप में स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, सरकारी कार्यालयों और सचिवालयों में कामकाज एवं लोक व्यवहार की भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। विराम। इस दिशा में वर्तमान सरकार के प्रयास उल्लेखनीय एवं सराहनीय हैं, लेकिन उनमें तीव्र गति दिए जाने की अपेक्षा है। विराम। क्योंकि इस दृष्टि से महात्मा गांधी की अंतर्वेदना को समझना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाषा संबंधी आवश्यक परिवर्तन अर्थात हिंदी को लागू करने में एक दिन का विलंब भी सांस्कृतिक हानि है। विराम। मेरा तर्क है कि जिस प्रकार हमने अंग्रेज लुटेरों के राजनीतिक शासन को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया, उसी प्रकार सांस्कृतिक लुटेरे रूपी अंग्रेजी को भी तत्काल निर्वासित करें। विराम।